देखिए प्रमोद जी, मैं कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तैयार की मेरा पूरा मन है चुनाव लड़न का। ताई मैं घर घर जाकर लोगों की समस्यावां जान रहे हैं, उन्होंने दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आने वाली सरकार ये सारिया दुख तकलीफा मैं दूर करा। जे मैनू इतों सेवा का मौका मिलता है तो नशे नू जड़ तो खत्म करन दा राणियां नू मैं वादा करता हैगा। तो होर समस्यावां गरीब बंदे दीआं की हुंदीआं हैगीआं, उन्हां दा आईडी करके पीले राशन कार्ड कट्टे जा चुके है, सहायता नहीं मिल पा रही। कांग्रेस ने उन्हां नूं 100-100 गज दे पलाट दित्ते सीगे, भारतीय जनता पार्टी ने वह भी खोले है। महंगाई की मार जनता ते गरीब जनता ते इन्नी पै चुकी है कि सूँ दस ही नहीं सकते। गांव के लोग ही कह रहे थे कि ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि कोई नेता गांव में आ रहा है और उसके साथ भोजन कर रहा है। भोजन की व्यवस्था भी आपने करवाई है पूरे गांव की? हाँ जी, क्योंकि मैं लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था तो ये बढ़िया जरिया था कि उनके साथ बैठ के भोजन किया जाए, तो उनकी दुख तकलीफें समझी जाएँ, उनके दिल की सुनी जाए और अपनी सुनाई जाए, तो ये मेरे को अच्छा माध्यम लगा। मैंने सारे गाँव को न्योता दिया है भोजन का, तो हम सब इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव पन्नीवाला मोटा में, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त टीशू प्रधान है और यात्रा निकाल रहे हैं रानिया विधानसभा क्षेत्र से। आज दूसरे चरण की यात्रा का समापन है वो पन्नीवाला मोटा गाँव में कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज दो चरण की यात्रा है वो सम्पन्न हो चुकी हैं, क्या कुछ बड़ी दिक्कतें हैं वो लोग कह रहे हैं, क्या कुछ शिकायतें हैं वो लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, असी जो यात्रा कढ़ी बनी गाँव तो लोगों का धन्यवाद देने वास्ते कुमारी शैलजा ने उन्होंने जताया इन्ना, तो अगे साढ़ा प्यार ही बरकरार रहे विधानसभा चुनावों भी, तो इसलिए यात्रा कढ़ी। तो दूजा उद्देश्य साडा सी लोगों दी समस्यावां जानन दा। सब तो वड्डा जिहड़ा मुद्दा अगे आया है वह है नशे का। नशे ने राणिया हल्के की जवानी नूं बर्बाद कर के रख दिता है, तो गरीब परिवारों के जो देखे है मुंडे नशा करन लग पे, तो उन्हां परिवारों की हालात दर्द आप शब्दों नाल बयान नहीं कर सकते। एक माता मिली मैनू, तो उन्हां दी की समस्या सी, वो कहिंदी मैं कल्ली कमाण वाली हाँ, पति का साया सिर तो उठ चुके है, एक मुंडा है वह नशे च है, तो एक छोटी गुड़िया सी। हुण तुसीं की आंकलन लाओगे तुसीं? तो सरकार दा 10 सालां च इस हल्के कन्नी नशा इन्ना वध चुका, कोई ध्यान है नहीं गा। तो मैं जे मैनू इत्थों सेवा दा मौका मिलता है तो नशे नू जड़ तो खत्म करन दा राणिया नू मैं वादा करता हैगा। तो होर समस्यावां गरीब बंदे दीआं की हुंदीआं हैगीआं, उन्हां दा आईडी करके पीले राशन कार्ड कट्टे जा चुके है, सहायता नहीं मिल पा रही। कांग्रेस ने उन्होंने 100-100 गज दे पलाट दित्ते सीगे, भारतीय जनता पार्टी ने वह भी खोले है। महंगाई की मार जनता ते गरीब जनता ते इन्नी पै चुकी है कि सूँ दस ही नहीं सकते। इन्हां सी सब मुद्दों पर असी काम करांगे ते ये दूर करांगे। आपने पूरा विजन है वो लेकर के चले कि चाहे राणियों को मंडल बनाने की बात हो, गगर की खुदाई करने की बात हो, तमाम जो मुद्दे हैं वो लेकर के चले, आपको क्या लग रहा है कि ये मेन प्रॉब्लम्स है इस इलाके की? मेन तो जी इतने गगर नदी की बहुत बड़ी समस्या है जी, वो खुदाई होनी चाहिए है, तो ओटू नू एक पर्यटक स्थल बनाना चाहिए है, तो राणिए का राणी उपमंडल का दर्जा दवाना, इतने कॉलेज की कमी है बनी पिंड च, इतने कॉलेज बने, ये बहुत मुद्दे असी लैके चले हैं, तो इन मुद्दों पर असी काम करांगे। तो ये आपने जो इस गांव में समापन की यात्रा, और गांव के लोग ही कह रहे थे कि ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि कोई नेता गांव में आ रहा है और उसके साथ भोजन कर रहा है, भोजन की व्यवस्था भी आपने करवाई है पूरे गांव की? हाँ जी, क्योंकि मैं लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था जी, तो ये बढ़िया जरिया था कि उनके साथ बैठ के भोजन किया जाए, तो उनकी दुख तकलीफें समझी जाएँ, उनके दिल की सुनी जाए और अपनी सुनाई जाए, तो ये मेरे को अच्छा माध्यम लगा भी काफ़ी टाइम। आज पूरा गांव है वो यानी कि एक ही जगह भोजन करेगा पूरा? हाँ जी बिल्कुल, मैंने सारे गांव को न्योता दिया है भोजन का, तो हम सब इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे। तो पूरी एक तरह से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी है वो टिकट देगी आपको, चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए प्रमोद जी, मैं कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तैयार की मेरा पूरा मन है चुनाव लड़न का,
ताई मैं घर घर जाकर लोगों समस्यावां जान रहे हैं, उन्होंने दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आने वाली सरकार च ये सारिया दुख तकलीफा मैं दूर करांगा ते मैं पूरा आश्वस्त हैं, पूरा मेरा मन है चुनाव लड़न का। मैडम सांसद हैं यहाँ पर कुमारी सैलजा, उन्होंने भी पूरा आश्वासन आपको दिया है कि भी टिशू आप गाँव में जाइए, आप लोगों के साथ चलिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको टिकट दिलाने का प्रयास करूँगी। देखो जी उन्होंने आदेश है सानू भी टिशू जी कांग्रेस पार्टी का तुम प्रचार करो जी, तो मैं उन्होंने आदेश अनुसार उन्होंने इच्छा अनुसार मैं चल रहा, तो मैं पूरा आश्वस्त हैं कि बहन कुमारी सैलजा जी मेरी लड़ाई लड़ने। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े टिशू प्रधान सुनील गर्ग, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। आज यात्रा का दूसरा चरण है वो समापन हो गया है पन्नी वाला मोटा गांव में, बड़ा गांव है ये, करीब 6000 से ज़्यादा मतदाता हैं इस गांव के। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।